हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर राहुल शर्मा। सो फाइनली हम पहुंच गए गोकुल और शुरू हो गया है शूट गोकुल में। आज हम जो सीन शूट करने वाले हैं वो यशोदा और नंद जी के बीच का सीन है, जो पहला सीन है आज हमारा वो होने जा रहा है। आज है डे 5 शूट का, और इससे पहले हमने पिछली एक स्टोरी की जो कि आप देख चुके हैं, वो वाली स्टोरी द्रोण और धरा की थी, कृष्ण किस तरह से उनके घर पे आते हैं एज अ पुत्र। तो ये पूरी कहानी आप लोग देख चुके हैं, और उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्चुअल गोकुल और नंद यशोदा कृष्ण की कहानी। तो एंजॉय कीजिएगा शो और मज़े लीजिएगा बिहाइंड द सीन्स के, जो कि मैं आपको दिखाता रहूँगा टाइम टू टाइम, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद आप मिस आउट करते होंगे, और आपको बड़ा क्यूरियोसिटी रहती होगी कि पीछे कैसे सीन शूट होते हैं, कैसा होता है माहौल। सो वो सब जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल योर राहुल शर्मा, एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल। सो ये जो आप देख रहे हैं पूरा सेट, ये सेट बनाया गया है बहुत ही रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे। जो भी क्रिएटिव्स हैं हमारे शो के, जितने भी लोगों ने इस पर मेहनत की है सेट बनाने पर, चाहे हमारे आर्ट डायरेक्टर हो चाहे क्रिएटिव टीम हो, सब लोगों ने कोशिश की है कि ये सेट बड़ा ही रियल और बहुत ही ऑथेंटिक लगे। और यहाँ पर जितने भी सीन्स हमने शूट किए, जितने भी सीन्स आपने देखे हैं, वो सब इसलिए अच्छे लगे क्योंकि लोकेशन बड़ी रियल है। और जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले वो इस लोकेशन और शो के फील के लिए मिले, जो कि आता है इसके सेट से। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी क्या ये सेट उतना ही रियलिस्टिक लगता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, यस, तो ये पहली बार था जो मेरे साथ इस तरह की चीज़ हुई। ये आप देख रहे हैं हमारी पूजा की जा रही है, ये आज तक मेरे साथ किसी भी शो में नहीं हुआ। बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फील हुआ, स्पेशल फील हुआ। आप रुक क्यों गए?
आप खाओ ना। रोल रोलिंग एक्शन। यशोदा तुम स्वयं क्यों ना चली जाती उसे ढूंढने? होगा। और मैंने कोशिश की आज के वीडियो में कि मैं पूरा गोकुल कवर कर पाऊँ, पूरा गोकुल आपको दिखा पाऊँ। कुछ एक चीज़ें छूट भी गई होंगी उसमें, वो आगे हम कवर कर लेंगे। बट मैंने कोशिश की कि किस तरह से एक रियलिस्टिक फील देने की कोशिश की गई है, जो कि पूरी टीम की तरफ से कोशिश की गई। ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लगे इस सेट को बनने के लिए, बिकॉज बीच में बहुत बारिश थी और बहुत दिक्कतों के बाद, दिक्कतों का सामना करने के बाद ये जो है सेट खड़ा हो पाया। क्योंकि बारिश के टाइम पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे और ज़मीन बिल्कुल अनइवन थी, इसको काफ़ी जद्दोजहद के बाद में सेट खड़ा हो पाया। तो मैं पहली बार वहाँ गया तो मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव और बहुत अपने जैसा फील हुआ। एक गांव का फील जो है वो उसमें था। और चूंकि मैं, मेरा खुद का गांव है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मुझे वो फीलिंग, आई नो कि वो फीलिंग बहुत कम जगह आती है, और वो फीलिंग मुझे यहां फील हुई और वो एहसास यहां हुआ। तो मैं बड़ा खुश था इस चीज़ को लेकर। और दूसरी चीज़, जिस तरह से वेलकम हुआ सेट पे, जिस तरह से वो एक पूजा की गई, और माणिक के सर जो कि शो के कर्ता धरता है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। एंड मुझे पहला सरप्राइज था और दूसरा मुझे अच्छा महसूस हुआ कि इस तरह का ये जो फील देकर बड़ा ही ख़ास महसूस करवाया हमें। और आई एम थैंकफुल कि ये चीज़ हुई सेट पे। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको केवल एक विजुअल्स के थ्रू बता सकूं कि मास्टर शॉट, टू शॉट्स और क्लोजअप्स क्या होते हैं। तो उसमें आपने देखा है कि पैरेलली मैंने कंपैरिजन करके बताया कि किस तरह से हम शूट करते हैं और वो एक्चुअल में कैसा आता है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि किस तरह से कलर ग्रेड होता है, फिर साउंड डिज़ाइन होता है, एंड देन ओवरऑल एडिट करके किस तरह से सीन को प्रेजेंट किया जाता है। मास्टर शॉट मतलब कि जो बड़ा वाइड शॉट होता है, देन टू शॉट जो कि दो लोगों को इंक्लूड करके किया जाता है, एंड देन क्लोजअप्स जो कि सिंगल शॉट्स होते हैं वो। सो इस तरह से कोशिश की एक छोटे से वीडियो में सब कुछ बताने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, कीप ऑन वॉचिंग यशोमती मैया के नंदलाल।